14-17 करोड़ की वो आपकी लैंड क्रूजर लेता है 0 मीटर, आप सड़क में जो देखते हैं तो आप उसको एनालाइज करेंगे ये कहां से आई है। सर जो कारोबारी होता है ना, इंडस्ट्री चला रहा है, वो कभी 17 करोड़ की गाड़ी नहीं लेता। उसको यही लालच होता है कि यार करोड़ की गड्डी बैठो, 15-16 करोड़ फिर किसी काम में छोटो, और रॉ मटेरियल ले लो या अगे जमीन ले लो, अगली इंडस्ट्री लावांगे। आप एक सर्वे करा के देख लो, नॉर्मल जितनी बड़ी गाड़ियां आपको मिलेंगी उनके पीछे आपको रियल एस्टेट इजी मनी नजर आएगी। 1.5 करोड़ का प्लॉट लिया था, आज 6.5 करोड़ का हो गया, एक मजा का खेस होते हाल है जो वो बनी हुई। इस चीज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारी इस डिफॉल्ट के अंदर, लोग जो है वो इंडस्ट्री से पीछे हटने शुरू हुए। अगर आज से 10 साल पहले 100 मिलने थी, आज 1000 होनी चाहिए थी। एक तो उन 100 में से भी बंद हो गई, और नई जो लगी वो चल नहीं सकी, या वो जो चली वो अब इन हालात के अंदर बंद हो रही है। तो आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, आपके टैक्स नहीं आ रहे, आपका GST नहीं आ रहा, आपके रेवेन्यूज नहीं जनरेट हो रहे, आपके मुल्क के अंदर जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है वो फ्लरिश नहीं कर रही। हमारा ट्रेन का बड़ा निजाम होता था माल बर्दारी का, खत्म होकर बस 0 के ऊपर आ गया। आज का क्या हो रहा है, आपकी 35 एकड़ की इंडस्ट्री थी, आपने कहा यार ये 60 महकमे पीछे पड़े हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसी रोज चेंज होती है। इमरान आता है तो कहता है एक्सपोर्ट करो, वो आता है तो कहता है एक्सपोर्ट बंद करो, वो आता है तो कहता है एक्सपोर्ट को उल्टे लटक के करो। मेरे से तो नहीं होता, 35 एकड़ की वो करते हैं प्लॉटिंग, पता लगता है जी 6.5 अरब की बिकी है, 650 करोड़ जिसके पास कैश आ जाता है, वो कहता है जी सलाम अलैकुम, कुछ पैसे वो बाहर भेजता है, जिंदगी इंजॉय।